देखिए नन्हे से कायरव ने बाल गोपाल का रूप लेकर अपने माता पिता को तो मिलवा दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई कि भाई कार्तिक अपनी पत्नी यानी कि वेदिका के होते हुए आखिरकार नायरा के साथ कैसे रिश्ता बनाएंगे। लेकिन अब वाकई में सवाल तो उठ खड़ा हुआ है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। जो बात फैंस के मन में थी ये ठीक वैसा ही कायरव ने कर दिया। जन्माष्टमी के मौके पर आज कायरव कान्हा बना है और कान्हा बनने के बाद इस सबसे अच्छी बात उसने ये की कि नायरा और कार्तिक का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिया। तो बताइए फैंस, ये नजारा देखकर आप हुए ना खुश? अब इतना भी खुश ना होइए क्योंकि ये सीन तो दिखावे के लिए किया गया है। जो दिखावा नायरा और कार्तिक कायरव के सामने कर रहे हैं। पहले तो ये दोनों कायरव के गैर मौजूदगी में खूब लड़े। किस मुझे शिकायत कर रही हो? जब मुझसे मेरा बच्चा दूर ले गई थी तब तो किसी को बताया ना तुमने? और जैसे ही कायरव आया देखिए कैसे इनका मूड बदल गया। जैसे ही नायरा की नजर कायरव पर पड़ी उसने तुरंत झगड़े का मोड ही बदल दिया। सब बहुत खुश हैं कि फाइनली यू नो कायरव रिकवर कर गया है और सब लाइक खुश हैं। सडनली फिर नायरा आती है तो थोड़ा सा माहौल टेंस होता है बिकॉज वो शी इज शॉक कि वो कैसे उसकी परमिशन के बिना ले आए यहाँ पे, तो वो थोड़ा गुस्सा होती है। अब कायरव कहाँ रहेगा, गोयनका हाउस में या महेश्वरी हाउस में, इसी को लेकर इनके बीच लड़ाई चल रही है। पूरे घर वाले नायरा और कार्तिक की लड़ाई हमेशा की तरह बस देखते ही रह गए। अब देखिए भाई कायरव ठीक नहीं है और जब तक वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए नायरा को कायरव के पास ही रहना पड़ेगा, यानी कि एक ही छत के नीचे नायरा और कार्तिक रहेंगे। सो ऐसा होता है कई बार हॉस्पिटल में ऐसे ऑकवर्ड सिनेरियोज होंगे जब मैं नायरा कार्तिक को एक साथ देखूंगी एंड आई विल फील ऑकवर्ड। अब वेदिका का क्या होगा ये भी हम आपको बता देते हैं। हमने सुना है कि कुछ दिनों तक वेदिका पॉजिटिव किरदार में रहेगी और उसके बाद उसका किरदार नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव किरदार के साथ ही वेदिका की सीरियल से एग्जिट हो जाएगी। चलिए भाई जन्माष्टमी के मौके पर कुछ तो अच्छा सुनने मिला। मुंबई से सोमा वैद्य अवस्थी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।